कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आने पर क्या क्या विकल्प उन्होंने काम किया, लेकिन उसकी फिर दोबारा और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी हम लोग जैसे कर्मचारी हैं, अगर हमारी डेथ हो जाती है, एक उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलेगी, उसके जीवन का यापन करने के लिए भत्ता मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो आए उसके लिए कोई सुरक्षा है, उसके लिए कोई जीवन यापन देश का विकास तब होगा ना, देश के बच्चे देश में रुकेंगे। जब यहाँ नौकरी में तय होता है 30,000-35,000, लेकिन सैलरी कितनी आ रही है 8,000। हमारे साथ के कुछ लोग 8,000 रुपए में वो पूरा दिन यहाँ काम करते हैं, उनसे अच्छा काम। जब मैं इस मीटिंग का परमिशन के लिए लेटर भेजा कि हमको ये मीटिंग करानी है, उस अधिकारी कहे कि कल तो पानी बरस जाएगा, तब क्या होगा? क्लास वन की मीटिंग होगी तो पांच नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग एनी रेलवे मजदूर के यूनियन कार्यालय में, जहाँ पे आप पीछे भारी मात्रा में भीड़ देख रहे हो, आज मांगों को लेकर के बैठक रखी गई है। तो अजय कुमार जी से हम पूछेंगे कि आज किन मांगों को लेकर के वार्ता हुई, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आज जो निजीकरण के विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, माननीय कॉमरेड के एल गुप्ता जी के दिशा निर्देश पे, अभी अभी आपको सूचना मिली होगी कि लखनऊ मंडल के 7-8 स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से इंक्वायरी क्लॉक रूम और जो टीटी रनिंग रूम की बुकिंग, टीटी लोगों की बुकिंग, उसको प्राइवेट करने का काम कर दिया गया, और 2-3 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। तो निश्चित रूप से हमारे जो लोग उसमें कार्यरत थे, जो टीसी भाई कार्यरत थे, उनका सरप्लस हो गया। वो तो ये एक तरफ तो भारत सरकार कर रही है, कोई भी हम निजीकरण का काम नहीं कर रहे हैं। अभी महाप्रबंधक महोदय आए थे, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताने का काम किया कि कोई भी निजीकरण का काम हम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बूस्टअप करने का काम कर रहे हैं। चूँकि हमारे साथ युवा थे उस समय जब जीएम साहब से हमारी वार्ता हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि नहीं, निजीकरण हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले महाप्रबंधक महोदय जब गए, उसके बाद अभी आनंद फानंद में 3 दिन पहले हमारे सारे स्टेशन, 9-10 स्टेशन जो बड़े स्टेशन हैं, उनका क्लॉक रूम का काम, इंक्वायरी का काम और टीटी के जो बुकिंग का काम है, वो सब प्राइवेट को दे दिया गया। तो आने वाले दिन में लगता है कि जो एक तरफ से भारत सरकार कह रही है, रेल मंत्री कह रहे हैं या जीएम महोदय कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखने को मूर्त रूप से मिल रहा है। इसका आज हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, और सबसे अच्छी बात हो गई कि हम लोगों ने इस विरोध में हमारे शाह साहब, जो एसयू साहब हैं, इन्होंने माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री जी को भी यहाँ पे मंच से मोबाइल के थ्रू बुलवाने का काम किया, जो हम लोगों के, उन्होंने वहाँ से आशीर्वचन के रूप में हमको ये आश्वस्त किया कि हम इसका पुरजोर विरोध करूँगा, और जब भी मैं आऊँगा तो जीएम से और डीआरएम से इस पे बात करूँगा। 15 दिन पहले, एक महीने पहले भी आप लोगों ने चारवाक में निजीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था, कुछ दिन पहले आपने सरेंडर और पोस्ट को लेकर के आपने धरना प्रदर्शन, तो उसके बारे में क्या हुआ? उसमें भी वही बात है, जब ऊपर से तो यही कहते हैं कोई भी पोस्ट सरेंडर, लेकिन आप ही देखिए, जब ये तीनों विभाग दे दिए, क्लॉक रूम दे दिए, इंक्वायरी दे दिए और टीटी की बुकिंग दे दिए, तो ये कैसे दे, तो प्राइवेट हो ही गया। जब उसी काम को हमारे टीसी भाई लोग करते थे, और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की तरह बहाली होती थी, वो सारी बहाली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और प्राइवेटाइज लोग चले जाएंगे। तो इसका हम लोगों ने आज फिर से विरोध शुरू कर दिया। कल माननीय के एल गुप्ता जी ने वहाँ गोरखपुर में इसका विरोध किया है, और आज हम लखनऊ मंडल इसका विरोध कर रहे हैं। सर जी, ये बताइए, आप लोगों के द्वारा निरंतर निजीकरण का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार इस चीज को अनसुना कर रहा है। मैं एसयू शाह, जोनल सेक्रेटरी एआरएफ, और आज जब वर्मा जी के माध्यम से मुझे ये बताया गया कि एक तरफ हम लोग बराबर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय रेल नहीं बल्कि भारत सरकार के जो भी कप्रग हैं वो प्राइवेट में न जाएं और प्राइवेटेशन ना हो, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, जो उनकी प्लानिंग है, वो एकदम साफ दिख रही है कि वो कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं, और उसका कारण ये है कि ये सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो इस बात को लेकर के आज जो लखनऊ स्टेशन की एक शुरुआत हुई लखनऊ मंडल में, कि 9 स्टेशनों की बात की है, और इन कामों का जो निजी हाथों में दिया गया है, सिर्फ यहाँ से नहीं है, आज यहाँ शुरुआत है, कल पूरे रेल में जाएगा, और इसको रोकने के लिए अभी 5 और 6 तारीख को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की कोटा में एक चिंतन शिविर हो रहा है,
जिसमें न सिर्फ निजीकरण को लेकर के बल्कि भारत सरकार की तमाम नीतियों के ऊपर रेल को बचाने के लिए, रेल के अस्तित्व को बचाने के लिए और ख़ासकर उसमें जो मुद्दा है वो जो पुरानी पेंशन इसकी बहाली को लेकर के एक हम लोग चिंतन करके और एक पूरा प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं और उस पर आर पार की अब लड़ाई लड़ने का आदरणीय महामंत्री श्री शिवपाल मिशन बना लिया है कि आने वाले समय में या तो सरकार इस निजीकरण को रोकेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी और वरना हम लोग आने वाले समय में निश्चित रूप से सड़कों पर आएंगे और सरकार का विरोध करेंगे कि ऐसी सरकार को सरकार उसमें आने वाले इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, इसका भी विरोध हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के आप लोग काफी दिन से लंबे समय हो गया है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार अनसुना कर रही है। अगर 5 या 6 तारीख को आप लोग जो विचार विमर्श कर रहे हैं अगर उसका भी कोई नतीजा नहीं मिला तो आगे क्या क्या नहीं, वो जो चिंतन है वो इसी बात का है कि हम प्लान कर रहे हैं कि अगर सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो क्या करेंगे स्टेप बाई स्टेप। ऐसा भी हो सकता है कि हम जेल भरो आंदोलन भी करें और उसमें खासकर जो रिटायर्ड लोग हैं जिनकी संख्या इस समय भारत के रेलवे डिपार्टमेंट में 16.5 लाख है, हम लोग वो अगुवाई करेंगे। अगर ये प्रेशर बनाया है कि जिनकी भर्ती करी उनको निरस्त कर दिया गया फिर क्या करा जाएगा? देखिए सरकार निरस्त करेगी, देखिए आने वाले समय में जिस तरह का माहौल चल रहा है तो ये सरकार जिस रास्ते चल रही है, अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री जी आदरणीय का क्या रुख था कि महंगाई के ऊपर किसी ने कहा तो उन्होंने कहा 2004 के पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो इसकी 5 गुना महंगाई थी, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि तब सिलेंडर 300 कुछ रुपए का था आज 1100-1200 रुपए का है, तो उस पर उनका कहना था कि तनख्वाहें तो बढ़ गई हैं। ज़रा आप सोचिए कि आप भारत के अंदर जितने 140 करोड़ की पॉपुलेशन है क्या सब सरकारी नौकर हैं, लिमिटेड लोग हैं। नीति चला रही, अब उनका जो जवाब था कि वो तनख्वाहें बढ़ गई हैं, क्या मजदूरी बढ़ गई? आज भी एक मजदूर की मजदूरी हम लोग 300, 350 या 400 रुपए मैक्सिमम दे रहे हैं और 2004 में भी जो मजदूरी थी और जो महंगाई है उसका सर्वाइवल नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ न अपने रेलवे के लिए बल्कि देश के लिए ऑल इंडिया रेल फेडरेशन हमारे महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी हमेशा चिंतित रहते हैं, उस कड़ी में हम लोग 2 दिन बैठ रहे हैं, ये चिंतन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी है। सरकार तो आम जनता के ऊपर ये नीति अपना रही, तोड़ो या छोड़ो, या तो आम जनता को तोड़ेगी या तो उसकी नौकरी छुड़वा देगी। देखिए एक बड़ा दुर्भाग्य है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अभी लेबर लॉ में चेंज किया और जो प्रपोजल आया है यूनियन की मान्यता का, उस मान्यता में क्या उन्होंने रखा कि टोटल जैसे हमारे पास 1 लाख लोग काम कर रहे हैं तो 1 लाख जो इलेक्ट्रोल बनेगा उसका 51% आपको लाना होगा, जो लाएगा वो उसकी मान्यता रहेगी। अब जरा एक तरफ ये देखिए और उसका और वोट कितने पड़े, वोट पड़े 70,000, तो 70,000 में 51,000 वोट अगर हम लाएंगे तो हमें मान्यता मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ एक चुनाव होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विधानसभा में इसके MLA का और वहाँ टोटल वोट पड़े 26%, उस 26% में 14% या 15% वोट ले करके वो चुन करके हमको रिप्रेजेंट कर रहा है और हम हमारे लिए जो यूनियन मान्यता के लिए आप कहते हैं कि 51% इलेक्ट्रोल का ये हो रहा है, तो सरकार जो प्लानिंग कर रही है वो ये है कि हम सरकार रहें और जो पूंजीपति लोग हैं अडानी और अंबानी साहब जैसे लोग वो इसको इंडस्ट्री चलाएं और रेल पर उनकी निगाह है और आम जनता को आम के तरीके चूसते रहे। और भी बहुत से लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? मैं संदीप कुमार मंडल उपाध्यक्ष यानी रेलवे मजदूर यूनियन, जैसा कि हमारे मंडल मंत्री और शाह जी ने बताया कि पूर्व में हम लोग हमेशा निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जब CRV साहब आते हैं या महाप्रबंधक जी आते हैं उनसे हमारी यूनियन वार्ता करती है तो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हम कोई भी निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब वो अपने चैम्बर में जाते हैं तो उनके दिमाग बदल जाता है और पूरा निजीकरण का सहयोग में काम करने लगते हैं। जैसा कि अभी हमारे 9 स्टेशनों पे कमर्शियल विभाग को निजी कर दिया, जो क्लर्क रूम की बुकिंग थी जो इंक्वायरी थी वो निजी को दे दिया, इसके पहले कमर्शियल विभाग की सफाई व्यवस्था या रनिंग रूम की सफाई व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अन्य जगह हैं सफाई व्यवस्था सारे के सारे, यहाँ तक कि कंप्यूटर सिस्टम में भी प्राइवेटाइजेशन
निजीकरण की व्यवस्था जो कर रही है, निजीकरण करे अगर करना है सरकार तो स्पष्ट रूप से कहे कि हम निजीकरण ही करेंगे, लेकिन ये दोहरी नीति चलाना जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी यूनियन जो भी सरकार हो, चाहे ये भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, जो भी सरकार की गलत नीतियां करती हैं, हमारा उद्देश्य ही है उस गलत नीतियों को विरोध करना। जब कांग्रेस थी तो हमने इनका समर्थन किया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के विरोध में इनका समर्थन किया कि हम लोग आपको समर्थन करते हैं, कांग्रेस की नीतियां नहीं ठीक है, क्योंकि उस समय ये सब महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, हमारी स्मृति ईरानी जी का सुना होगा आपने, सिलेंडर लेकर कूदा कर महंगाई डाइन खाई जाती, हाँ महंगाई डाइन खाई जाती थी, पिपली लाइफ का खाना, महंगाई मौसी बन गई। अब जो है महंगाई उनके लिए अच्छी हो गई है। सीता निर्मला रमण जी का हाल देखिए तो जीएसटी तक पे कफन जो लगा दिया है, खाने पीने सामान में, स्टेशनरी का तो जाने दीजिए, स्टेशनरी के साथ एक जो आदमी मरता उसके साथ सहानुभूति होती, लेकिन इस सरकार की मरे के साथ भी सहानुभूति नहीं है, सबसे बड़ी बात यह, तो हम जिंदा लोगों के साथ क्या होगी। तो ये दोहरी नीति ना करें, अगर उनको करना निजीकरण तो आमने सामने कर लें, आमना सामना हो जाए, हम लोगों का कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ के लिए तैयार, लेकिन यहाँ से कहें कि हम नहीं करेंगे और चैम्बर से चुपचाप कर दिया जाता है, यहाँ तक कि ये सरकार ना न्यायालय को मानती है ना जनता को मानती है। अभी हमारे गार्डों का जो है स्टे हो गया, लाइन बॉक्स के विषय में आप आई थी आंदोलन में, लाइन बॉक्स जब बंद हुआ था तो खैर गार्ड का तो चला, क्योंकि हमारे 6 गार्डों ने शहीद हुए उसमें शहादत दी, शहीद क्या हुए मतलब मरे नहीं, शहीद के मतलब सस्पेंड हुए, वो हमारे लिए शहीद ही हैं, सस्पेंड हो गए, तब जाके हमारे 2 तारीख को फैसला हो गया, इसके बाद भी 2 जो डिवीजनों में उन्होंने जो लाइन बॉक्स जो बंद कर दिया। तो ये दोहरी नीति, अरे किसी पे आप विश्वास कीजिए, न्यायपालिका पे कीजिए, जनता पे कीजिए, जनता ने आपको चुन को भेजा है, आप जनता के लिए नहीं है तो किसके लिए हैं। है और हमारा जो भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं, जितना भी आंदोलन करना हो जो भी हो उसको देखा जाए। तो कुछ महिलाएं भी हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से निजीकरण को लेकर के सभी लोग तो विरोध कर रहे हैं, उनके क्या विचार है। क्या नाम है आपका मैम? प्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगी निजीकरण के ऊपर, सरकार तो हमें हमेशा दबाना चाहती है और हम ही वोटों से जिताते हैं और वो हम ही के साथ खिलवाड़ करती है, तो जो हम लोग के अंदर डर है ना, वो डर कि कहीं नौकरी से हमें निकाल दिया जाए, अगर हम सरकार की नौकरी करते हैं तो सरकार भी हमारे ही उस पर चल रही है, अगर हम एक हो जाएंगे सरकार कुछ नहीं उखाड़ पाएगी हमारा, लेकिन बात है ना कि हम लोग के अंदर इतना डर बैठा है ना, अगर ये डर निकल के बाहर फेंक दिया जाए, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो बाहर हो, ये डर खत्म हो जाएगा ना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कहीं भी अपने जो चीज़ वो करना चाहती है ना वो कामयाबी हासिल करके ही रहेगी। लेकिन निजीकरण भी बहुत बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमको एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी, जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक ये सरकार हम पे हमेशा हावी होती रहेगी, बस मैं ये कहना चाहूँ। तो आज हम लोग आए थे एनी रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यालय में, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, सभी जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए थे और निजीकरण के विरोध को लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स